8 जुलाई से जो सुप्रीम कोर्ट री ओपन हुए हैं तो उसने कई इम्पोर्टेंट मैटर्स को टिकअप किया है जो कि बहुत समय से डिले चल रहे थे और जो कि बहुत लंबे टाइम के बाद लिस्टेड थे। इसमें से एक मैटर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जुड़ा भी था और जिसने एक समय पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। शायद आप समझ गए होंगे कि यहां हम बात संदेश खाली इंसिडेंट की कर रहे हैं जिसने कि देश में काफी हंगामा पैदा कर दिया था जब ये पाया गया था कि भीषण सेक्सुअल असॉल्ट और लैंड ग्रैबिंग के मामले के पीछे सस्पेंडेड टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को अक्यूज डिक्लेयर किया गया है। उनकी अरेस्ट ने भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी और इस पूरे मामले में आए दिन वेस्ट बंगाल सरकार और पुलिस दोनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट की खूब फटकार सुनी है। एक फटकार वेस्ट बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की भी सुनी थी जब उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था जिससे कोर्ट ने संदेश खाली से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी। इस मामले की लास्ट हियरिंग अप्रैल 29 को हुई थी और वेस्ट बंगाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अडजर्नमेंट की मांग की थी स्टेटिंग दैट I have been asked to request that this be scheduled for a few weeks later. There is some significant information that might be relevant. और वापस से जब ये मैटर 8 जुलाई को टेकअप हुआ है तो क्यों फिर से सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें कि जस्टिसेस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन मौजूद थे ने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को फटकारा है आगे देखते हैं। ऐसे आपको बता दें कि पिछले हियरिंग में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने इसलिए काफी फटकार सुनी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझ ही नहीं आ रहा था कि भला एक स्टेट सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को इतना ऊपर कैसे रख सकता है एंड हैड स्टेटेड Why should the state come as a petitioner for protecting the interest of some private individuals? हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता जो भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे कहने पर मजबूर हो गए थे कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में वेस्ट बंगाल पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये केस सीबीआई को सौंप कर इसके बावजूद कि स्टेट पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया था ही स्टेटेड देयर आर कमेंट्स अगेंस्ट द स्टेट व्हिच इज बीइंग चैलेंज्ड एज स्टेट हैज कैरीड आउट फेयर इन्वेस्टिगेशन। और वही आज की हियरिंग इंटेंस हो गई जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए कह दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपने वाले ऑर्डर में कहा भी है कि वे सेक्सुअल असॉल्ट और लैंड ग्रैबिंग के मामले के अलावा राशन स्कैम की भी जांच करे जो कि शाहजहां शेख के खिलाफ चल रही है और जिसमें कि 43 एफआईआर वर रजिस्टर्ड द फर्स्ट एफआईआर अबाउट 4 इयर्स अगो। इस बारे में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया कि फार रीचिंग डायरेक्शन टू सीबीआई एट द मोस्ट कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 एफआईआर व्हिच रिलेटेड टू ईडी ऑफिशियल्स नाउ द इम्प्यून डायरेक्शंस कवर एवरीथिंग लाइक राशन स्कैम। हालांकि बेंच इस आर्गुमेंट से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं दिखी और कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में संदेश खाली से जुड़े सारे एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपी है और ऐसे में ये ऑर्डर बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ पर जस्टिस गवई ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को फटकारते हुए कह दिया यू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मंथ्स एंड नाउ यू आर कमिंग टू अस, जिसके साथ ही उन्होंने अपना पुराना सवाल वापस से उठाया और पूछा कि Why the state should be interested in protecting someone? लेकिन इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए कह दिया कि स्टेट के खिलाफ कई कमेंट्स गलत तरीके से पास हुए हैं और वो भी तब जब उन्होंने इस केस में काफी काम किया है एंड स्टेटेड देयर वर एन मास ऑब्जर्वेशंस मेड इन द इंप्यून्ड ऑर्डर इवन दो मच वर्क हैड बीन डन स्पेशली इन सो फार एज द अलेज्ड राशन स्कैम वाज कंसर्न्ड। इन सब आर्गुमेंट से सुप्रीम कोर्ट बेंच बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं दिखी और उन्होंने इस मामले में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा फाइल प्ली को डिसमिस कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। हाउएवर इट वॉज क्लैरिफाइड दैट द ऑब्जर्वेशंस मेड इन द इंप्यून्ड ऑर्डर शैल नॉट इन्फ्लुएंस सीबीआई इन कंडक्टिंग इट्स इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियली। ऐसे आपको बता दें कि अपने प्ली में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टेट किया था कि द हाईकोर्ट इन अ वेरी जेनरिक ऑर्डर डायरेक्टेड द स्टेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट टू द सीबीआई विदाउट एनी गाइडलाइंस व्हिच अमाउंट्स टू असर्पिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द संदेश खाली एरिया इवन इफ द सेम इज नॉट रिलेटेड टू द एलिगेशंस लेवल्ड बाय द पीआईएल पिटिशनर्स। ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग की और अब एक नजर डालते हैं कि सीबीआई ने अभी तक इस केस की जांच में क्या पाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद से सीबीआई ने इस केस में 5 अक्यूज के खिलाफ एफआईआर फाइल किया है और वही संदेश खाली के जांच के दौरान सीबीआई को कुछ फॉरेन अम्यूनेशन और गन्स मिले थे। फॉरेन अम्यूनेशन के साथ साथ कुछ कंट्री मेड बॉम्ब्स भी मिले हैं जिसे अब डिफ्यूज किया जा चुका है। पर मामला इतना खराब हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काफी बहसा बहसी देखने को मिल रही थी, जहां एक और पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा था कि सो मेनी अट्रोसिटीज वर कमिटेड अगेंस्ट वुमेन इन संदेश खाली एंड द टीएमसी गवर्नमेंट केप्ट प्रोटेक्टिंग द मेन अक्यूज टिल द एंड। वहीं एक दूसरे रैली में वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने उल्टा पीएम मोदी के साथ साथ सीबीआई को खूब फटकारा था और कहा था कि क्या पता ये सारे अम्यूनेशन सीबीआई वाले ही साथ लाए थे। जी हाँ, आपने सही सुना। शी स्टेटेड Nobody knows where it was recovered from. Maybe it was brought from their own CBI cars and presented as recovered items.
There is no evidence to show it was found there. If a firecracker goes off in Bengal, the NIA, CBI, NSG are coming to investigate. It seems that a war is going on. The state police were not informed. It is not known what was found. और हमने वैसे ही देखा है कि आए दिन वेस्ट बंगाल सरकार और यूनियन के बीच कितने झगड़े होते हैं और ये झगड़े इलेक्शन के दौरान कितने ही बढ़ गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि ईडी ने पीएमएलए और कई और ऑफेंसेस के अंडर चार्ज शेख शाहजहां के खिलाफ कई न्यू एविडेंसेस स्पेशल कोर्ट के सामने डिस्क्लोज किए थे और एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करते हुए ईडी ने पीएमएलए केस में बताया था कि ईडी ने 13 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी थी जो वेस्ट बंगाल पुलिस ने आईपीसी एक्ट 1860 और आर्म्स एक्ट 1959 के वेरियस सेक्शंस के तहत शाहजहां शेख और दूसरों के खिलाफ दर्ज किया था। ईडी ने अपना स्टेटमेंट सबमिट करते हुए कहा था कि द एलिगेशंस दैट दे हैव क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर बाय इंडल्जिंग इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ गिविंग थ्रेट्स ऑफ इंजरी मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा एंड ऑल्सो ग्रैब लैंड ऑफ जनरल पब्लिक एंड ऑब्टेन्ड इलीगल मॉनेटरी गेन्स बेनिफिट्स। आगे स्पेशल कोर्ट कोलकाता को सबमिट करते हुए एजेंसी ने कहा था कि उनकी जांच ने पता लगाया कि शाहजहां ने लैंड ग्रैबिंग इलीगल फिश फार्मिंग ट्रेडिंग ग्रैबिंग ब्रिक फील्ड्स कार्टलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कलेक्शन ऑफ इलीगल टैक्सेस लीवाइज कमीशन ऑन लैंड डील्स पर आधारित एक क्रिमिनल एम्पायर बनाया है। ईडी के सोर्सेज के मुताबिक सस्पेंडेड तृणमूल मिनिस्टर शेख शाहजहां ने अपने इलीगल बिजनेसेस को चलाने के लिए उत्तर 24 परगनास जिले में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और आर्म्ड गूंज का इस्तेमाल किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया भी था कि इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शाहजहां उनका भाई आलमगीर और शाहजहां के एड्स शिव प्रसाद हजरा और दीदार बख्श मोल्ला। लगभग 100 गवाहियां दर्ज की गई है। इनमें लोकल फार्मर्स ट्राइबल्स फिश ट्रेडर्स लैंड ओनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल है। आपको याद भी होगा कि पहले भी ईडी ने शाहजहां और दूसरों के साथ एसेट्स वर्थ ₹27 करोड़ को भी अटैच किया था। आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफ वैल्यू ₹261.41 करोड़ डिराइव्ड एंड ऑब्टेन्ड बाय सेड पर्संस फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज एज रिवील्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड अंडर पीएमएलए 2002। आपको बता दें कि अभी शेख शाहजहां जेल में ही कैद दिख रहे हैं और उनकी बाहर आने के चांसेस भी बड़े स्लिम है। इसी सब के बीच में टीएमसी ने भी उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस सस्पेंशन के पीछे भी कई ड्रामे हुए थे, इसलिए क्योंकि जहां एक ओर टीएमसी और स्पेशली वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी शाहजहां को डिफेंड कर रही थी और कह रही थी कि ये सब बीजेपी की चाल है, वहीं उन्होंने शाहजहां को सस्पेंड भी कर दिया था। इस मामले में वेस्ट बंगाल बीजेपी चीफ सुकंदा मजुमदार ने कहा था कि ममता बनर्जी डिफेंडेड शेख शाहजहां इन द स्टेट असेंबली बाय सेइंग दैट ही वाज बीइंग टारगेटेड। नाउ बनर्जी पार्टी टीएमसी हैज सस्पेंडेड हिम। टीएमसी एट प्रेजेंट इज कंफ्यूज्ड ऑन व्हाट टू डू और नॉट टू डू। आफ्टर 55 डेज ही वाज अरेस्टेड एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ हर एजिटेशन। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले से शेख शाहजहां और टीएमसी कैसे डील करती है। टिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा।